हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, लेटेस्ट अपडेट यूपीएससी की तरफ से आ रहा है। यूपीएससी के अंडर जो आपका इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 कंडक्ट होने के लिए जा रहा है, जो कि फ्रेंड्स आपका 5 जनवरी 2020 को कंडक्ट होगा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के अंडर। तो फाइनली जो आपके एडमिट कार्ड है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए, वो फ्रेंड्स यहां पे ऑफिशियल वेबसाइट यूपीएससी पे अपलोड हो चुके हैं। अब आप यहां पे डायरेक्टली अपने जो एडमिट कार्ड है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के, वो फ्रेंड्स यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कैसे आप इसके एडमिट कार्ड को अपने मोबाइल से बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हो और उसको फिर डायरेक्टली अपना प्रिंट आउट करके एग्जामिनेशन देने के लिए फ्रेंड्स जा सकते हो। और साथ में आपको एग्जाम देने के लिए जब आप जाओगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेके जाने हैं, वो भी फ्रेंड्स हम इस वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। आपको डायरेक्टली इस लिंक पे फ्रेंड्स क्लिक कर लेना है और डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्रेंड्स डायरेक्टली दे दूंगा। उसके बाद आपको डायरेक्टली यहां पे एडमिट कार्ड का लिंक आपको यहां पे दिख रहा है, यहां पे आपको क्लिक करना है। तो यहां पे जब आप क्लिक करेंगे, देख सकते हैं आप इशू डेट अभी अभी यहां पे अपलोड हुए हैं और 5 जनवरी 2020 तक फ्रेंड्स आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे टू डाउनलोड ई एडमिट कार्ड आपको यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे यस कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ से अब आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी फ्रेंड्स डालनी है। तो रजिस्ट्रेशन आईडी आपको अपनी मेल पे आपको मिल जाएगी। आप डायरेक्टली अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी ओपन करेंगे जो आपने दी थी ऑनलाइन फॉर्म को फिल करते टाइम, उस रजिस्टर्ड मेल आईडी पे आपको डायरेक्टली यूपीएससी वहां पे सर्च करना है। आपको डायरेक्टली जब आपने ऑनलाइन फॉर्म को फिल किया था तब आपको एक मेल यूपीएससी की तरफ से आई होगी, उस मेल में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर फ्रेंड्स आपको वहां से मिल जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहां पे डालेंगे, सही से डेट ऑफ बर्थ सही से डालेंगे और सही से कैप्चा आप यहां पे फ्रेंड्स फिलअप करेंगे। तो यहां पे एक कैंडिडेट की हम यहां पे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को फिल करते हैं, सिमिलरली आपको भी ऐसे ही फ्रेंड्स डिटेल्स को फिलअप करना है। तो फ्रेंड्स यहां पे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को फिल करने के बाद सही से कैप्चा डाल के आप यहां पे सबमिट करेंगे। तो जैसे ही आप यहां पे फ्रेंड्स सबमिट करते हैं, आपके मोबाइल में ये डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा। आपको यहां पे डायरेक्टली फ्रेंड्स डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहां पे डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपके मोबाइल में फ्रेंड्स फाइल मैनेजर में डायरेक्टली आपका जो एडमिट कार्ड है वो फ्रेंड्स डाउनलोड हो जाएगा। तो यहां पर हम डायरेक्टली एडमिट कार्ड ओपन कर लेते हैं कैंडिडेट का। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहां पे देख सकते हैं, 5 जनवरी 2020 को आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज 2020 का फ्रेंड्स कंडक्ट होगा। तो फ्रेंड्स यहां पे आप अच्छे तरीके से चेक कर लेंगे जो आपने सेंटर की प्रेफरेंस दी थी, उन सेंटर में से आपका कौन से सेंटर पे एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, वेन्यू आपका क्या रहेगा, वो आप यहां पे डायरेक्टली फ्रेंड्स चेक कर लेंगे। साथ में आपको यहां पे इस एडमिट के साथ फोटो आइडेंटिटी कार्ड भी साथ में लेके जाना है। फोटो आइडेंटिटी कार्ड का नंबर आपने जो ऑनलाइन फॉर्म को फिल करते टाइम दिया था, आपको वही फोटो आइडेंटिटी कार्ड फ्रेंड्स आपने साथ ओरिजिनल में लेके जाना है। अगर आप नहीं लेके जाते हो तो आपको फ्रेंड्स वहां पे परमिट नहीं किया जाएगा एग्जामिनेशन देने के लिए। तो यहां पे आप देख सकते हैं दो शिफ्टों में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, 10 से लेकर 12 बजे तक। उसके बाद फ्रेंड्स आपको 2 घंटे की ब्रेक दी जाएगी और उसके बाद आपका सेकेंड एग्जामिनेशन पेपर 2 कंडक्ट होगा 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो फ्रेंड्स ये था लेटेस्ट अपडेट जो यूपीएससी की तरफ से आपका इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 के एडमिट कार्ड डिक्लेयर हो चुके हैं। कैसे उसको अपने मोबाइल से डाउनलोड करना है वो हमने इस वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। डायरेक्टली डाउनलोड करके किसी भी शॉप में जाके आप इसको प्रिंट आउट फ्रेंड्स ले सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।